India has in fact commissioned its second nuclear submarine, INS Arighat, today in Visakhapatnam. अब डिफेंस पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है और यही वजह है कि इंडिया ने एक सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन उसकी कमीशनिंग हुई है INS अरिघात। ट्राइड से मुराद ये है कि लैंड, एयर एंड सी तीनों जगह से इंडिया जो है वो न्यूक्लियर हमले जो है वो कर सकता है। ठीक है, दुनिया के पांच बड़े जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग दुनिया के सुपर भी एक पावर है, उनके बीच में आगे खड़ा हो गया हिंदुस्तान। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज देखा यही जाता है यूनाइटेड नेशंस के फैसले, जो पांच परमानेंट मेंबर है वो ही समझते हैं कि हम किंग हैं या हम समझ लो पूरे पूरी दुनिया के बादशाह हैं, वो अपने आप को पूरी दुनिया के बादशाह समझते हैं। तो हिंदुस्तान ने बताया कि आप लोग अगर दुनिया के बाप बने हुए थे ना, तो मैं इस टाइम पूरी दुनिया का दादा परदादा बन गया हूँ। दिस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड नाउ, थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ, दिस इज 2024। ठीक है, वो चाइना आपके ऊपर चढ़ के बैठा हुआ, उनको इस चीज़ का पता, और पाकिस्तान तो कभी भी इग्नोर नहीं करेगा। पाकिस्तान ने सीधा न्यूक्लियर चलाना है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है दैट इज नॉट एट पार विद इंडिया की उस कैपेबिलिटी के। पाकिस्तान के आपको याद होगा काकड़ साहब जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक ऐलान किया कि हमें कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से 400 जंगे भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगे लड़ेंगे। और मुझे ये बताएं काकड़ साहब, आप हैं कहाँ अभी, आप कहाँ हैं, कहीं एसी में एंजॉय कर रहे हैं या मरी गए हुए, आपका तो पता भी नहीं कि आप इस टाइम है कहाँ पे। याद रखे किसी को कुछ पता नहीं है, कल चले ही ना वादा काटा हो जाता। मैं तो सिर्फ उस चाइनीज इक्विपमेंट पे ट्रस्ट करता हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग जो पाकिस्तान ने जॉइंटली इस्टेब्लिश किया हुआ, बट वो इक्विपमेंट जो चीनिया का कल्ला कल्ला, मुझे तो उसमें कोई ट्रस्ट नहीं है। ये न्यूक्लियर है, ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजन इसकी, ये कोई छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान, अब आप आए चाइना की साइड पे, पूरा चाइना क्या आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हाल ही में भारत ने फिर से इतिहास रच दिया। भारत ने फिर से न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन खुद से बनाया है जो कि पूरे तरीके से मेड इन इंडिया है। भारत दुनिया में छठवां देश है जो ऐसा कर पाया है। भारत की ये दूसरी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ये सबमरीन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के मौजूदगी में नौसेना में शामिल होगी। INS अरिघात हिंद महासागर में भारत को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। यह अत्याधुनिक न्यूक्लियर सबमरीन 3000 तक के लक्ष्य को बर्बाद करने वाली K4 मिसाइल से लेस है। INS अरिघात पानी अंदर ज्यादा समय तक रह सकती है, जिसे डिटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बता दें कि ये सबमरीन ऐसे समय पर आ रही है जब हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दबदबा से निपटने के लिए भारत को न्यूक्लियर सबमरीन की जरूरत थी। इस सबमरीन को भारत के डिफेंस में जुड़ते देख ही चीन और पाकिस्तान सदमे में है। वही पाकिस्तानी मीडिया यहाँ ये बोल रहा है की भारत की बराबरी हम नहीं कर सकते हैं, भारत हमसे बहुत आगे है, हमारे पास चाइनीज डिफेंस है जो चलते ही नहीं है। भारत की पहली न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत 2014 में नौसेना में शामिल हुई थी। भारत नौसेना दो और न्यूक्लियर सबमरीन पर काम कर रही है जो 2035-36 तक तैयार हो जाएगी। जो है अब डिफेंस पे बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है और यही वजह है कि इंडिया ने एक सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन उसकी कमीशनिंग हुई है INS अरिघात। और INS अरिघात जो है ये ज्वाइन करेगी INS अरिहंत, क्योंकि इंडिया ने अपना जो न्यूक्लियर ट्रायड है आई थिंक 2018-19 में कंप्लीट कर लिया था। और ये जो याद रखें जो न्यूक्लियर सबमरीन है, ये न्यूक्लियर ऑब्वियसली मिसाइल्स भी फायर कर सकती है। अब इंडिया जो है, पहले भी इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्रायड था। न्यूक्लियर ट्रायड से मुराद ये है कि लैंड, एयर एंड सी तीनों जगह से इंडिया जो है वो न्यूक्लियर हमले जो है वो कर सकता है। ठीक है, अब ये एक सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो कमीशन हुई है अरिघात के नाम से। इसका मतलब क्या है, इसकी सिर्फ डायरेक्शन समझने की ज़रूरत है। इंडिया बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा नेवी के ऊपर। आपको याद है अभी जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, तो वो जब अमेरिका गए हैं तो वो नेवल सर्फिस वॉर सेंटर गए थे अमेरिका के अंदर। ठीक है जी, और उन्होंने वो सारी की जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं और जो चीज़ें हैं वो सारी देखी हैं। उसकी वजह ये है कि इंडिया एक चीज़ समझता है कि हमारा मुकाबला अब चाइना के साथ है, और वो चाइना के साथ मुकाबले के लिए उनको उतनी चीज़ें भी चाहिए। ये जो इन्होंने कमीशनिंग सेरेमनी की है, ठीक है जी, इसमें डिफेंस मिनिस्टर आए हैं, एन
एक होता है इनहेंसिंग न्यूक्लियर डिटेरेंस, दूसरी चीज़ होती है आप स्ट्रेटेजिक बैलेंस इस्टेब्लिश करना चाहते हो। आप देखते हो कि चाइना के पास क्या है, ठीक है। अब चाइना को ये है कि जी अच्छा हमारे पास तो कुछ 60-70 के करीब जो है वो सिर्फ और सिर्फ सबमरीन्स ही हैं, ठीक है। तो इंडिया के पास तो इस तरह ये 2 सबमरीन ऐसी हैं, तो वो एक जारी बात है, एक स्ट्रेटेजिक सुपरियॉरिटी एक मुल्क फील करता है। इसमें पाकिस्तान के हवाले से कोई ख़ास परेशानी की बात मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि इंडिया देखें न्यूक्लियर ट्रायड तो पहले कंप्लीट कर चुका था। तो अगर इंडिया अपना न्यूक्लियर ट्रायड पहले कंप्लीट कर चुका था तो देन देर इज़ नथिंग टू बी वरीड ऑन पाकिस्तानी साइड, बिकॉज पाकिस्तान की जो साइड है वो जारी बात है वो देखेगी समझेगी कि ये जो इनके पास न्यूक्लियर ट्रायड आई है ये नई नहीं है। हाँ, इन्होंने अपने डिफेंस को मजीद रोबस्ट डिफेंस बनाया। अब ये जो है ये तकरीबन 6,000 टन की न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन है। अच्छा, इसको ये बड़ा एडवांटेज है ये जो नई सबमरीन है कि इसको दे डोंट हैव टू गो एंड गेट बैक द डीजल, इनको डीजल लेने की जरूरत नहीं है। इनके अंदर ये एक छोटा सा समझे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है, ठीक है जी, कोई जो कि इंटरनली है, ठीक है जी, और वही चलाया करेगा इसको, वही चलाया करेगा इसको, एंड दे डोंट हैव टू गो ऑफ, सो जहाँ मर्जी घूमते रहे ये सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। एंड मेरी अंडरस्टैंडिंग में पाकिस्तान की डिटेरेंस कंप्रोमाइज है, इसीलिए तो हर रोज़ वो कहते हैं कि हम हमला कर देंगे, हम चढ़ाई कर देंगे पाकिस्तान के ऊपर, नहीं वो कहते, ठीक है जी, वो नहीं कहते क्या इस चीज़ को। सो मैं अपनी ज़ाती नज़र में जो न्यूक्लियर के हवाले से हमारी डिटेरेंस है, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी वो तो है, लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान की डिटेरेंस कंप्रोमाइज है। एक और बात बताऊं, इंडिया बेशक कहता है न्यूक्लियर सबमरीन आ तो गई, न्यूक्लियर ट्राइड भी आ गई, इंडिया कह रहा है जी नो फर्स्ट यूज़, ये गलत बात इंडिया कह रहा है। इंडिया ने लिखा अपने पेपर्स में ऐसे ही है और ये कहता भी है नो फर्स्ट यूज़, लेकिन याद रखें आपकी डिटेरेंस ही चली जाती है इफ देयर इज, अगर आप फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। पाकिस्तान तो सीधा सीधा कहता है वी विल यूज़ फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। ज़रा सी हमें भिनक पड़ी कि हमें को मसला हो रहा है, पाकिस्तान तो कभी भी इग्नोर नहीं करेगा, पाकिस्तान ने सीधा न्यूक्लियर चलाना है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है दैट इज़ नॉट एट पार विद इंडिया की उस कैपेबिलिटी के। पहले जो आपने अभी बात की ना सबमरीन की, ये हिंदुस्तान ने पहली बार नहीं बनाई, ये दूसरी बार बनाई है। और जब पहली बार बनाई थी 2016 या 17 में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड किस तरह बना था वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इससे पहले 5 कंट्रीज ने ये बनाया था और वो यूनाइटेड नेशन की 5 कंट्रीज परमानेंट जो मेंबर थे, उन्होंने 5 कंट्रीज ने ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है ना ये बनाए थे। उसके बाद हिंदुस्तान की क्वालिटी क्या हुई के हिंदुस्तान न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जरूरत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है, ये न्यूक्लियर है। ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी, ये कोई छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे, पूरा चाइना के आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान प्रॉपर चाइना को टक्कर दे सकता है। अच्छा, हिंदुस्तान ने सबमरीन जो बनाई छोटा काम नहीं किया। देखे पाकिस्तान के, आपको याद होगा काकड़ साहब जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक ऐलान किया कि हमें कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से 400 जंगे भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगे लड़ेंगे। और मुझे ये बताएं काकड़ साहब, आप हैं कहाँ, अभी आप कहाँ हैं, कहीं एसी में एंजॉय कर रहे हैं या मरी गए हुए, आपका तो पता भी नहीं कि आप इस टाइम है कहाँ पे। हमें 400 जंगों में फंसा के 400 जंगों की बात करके आप चले गए। मुझे बताएं चोर साहब, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है।